आज की शुरुआत करते हैं, चाय, कॉफी या जो आप लेना पसंद करें। त्योहार नहीं होता अपना या पराया, त्योहार है वही जिसे सबने मनाया। तो मिलाओ गुड़ में तिल और पतंग संग उड़ जाने दो दिल। आप सभी को 2022 की मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद केटू पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर मकर संक्रांति के दिन ही पतंग क्यों उड़ाई जाती है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरह के त्योहारों को किस नाम से जाना जाता है। और इस वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि लोहड़ी और मकर संक्रांति में आखिर क्या अंतर है। तो आप यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 14 जनवरी को पूरे भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़ और पकवानों का आनंद लिया जाता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि मकर संक्रांति आखिर है क्या। दरअसल सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को ही मकर संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास है। वैसे आपको यह भी बता दें कि सूर्य संक्रांति 12 है, लेकिन इनमें से 4 संक्रांतियां महत्वपूर्ण हैं, जिसमें मेष, कर्क, तुला, मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और पुण्य के शुभ समय का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गुड़ और तिल लगाकर नर्मदा में स्नान करने जाते हैं। इसके बाद दान में गुड़, तेल, कंबल, फल आदि दान करते हैं और पुण्य करते हैं। 14 जनवरी के दिन सूर्य दक्षिण के बजाय उत्तर को गमन करने लगता है, यानी कि सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जाना शुरू हो जाता है। इससे पहले सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर गमन करता है, यानी कि पहले सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर जाता था, लेकिन 14 जनवरी से यह पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है। हम ये तो जान गए कि आखिर मकर संक्रांति है क्या। चलिए अब हम जानते हैं कि मकर संक्रांति महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर इसे पर्व के तौर पर क्यों मनाया जाता है। दरअसल मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तरायण क्या है। उत्तरायण देवताओं का अयन है। एक वर्ष 2 अयन के बराबर होता है और एक अयन देवता का एक दिन होता है। 360 अयन देवता का एक वर्ष बन जाता है। सूर्य की स्थिति के अनुसार वर्ष के आधे भाग को अयन कहते हैं। अयन दो होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य के उत्तर दिशा में अयन अर्थात गमन को उत्तरायण कहा जाता है। इस दिन से खर मास समाप्त हो जाते हैं। खर मास में मांगलिक काम करने की मनाही होती है, लेकिन मकर संक्रांति के साथ ही शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ और नामकरण जैसे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। मान्यताओं की माने तो उत्तरायण में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्ति की संभावना होती है। धार्मिक महत्व के साथ ही इस पर्व को लोग प्रकृति से जोड़कर भी देखते हैं, जहाँ पर रोशनी और ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। देश में हर त्योहार पर विशेष पकवान बनाने और खाने की परंपरा भी प्रचलित है। इसी श्रृंखला में मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष रूप से गुड़ और तिल के पकवान बनाने व खाने की परंपरा है। कहीं पर तिल पर गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, तो कहीं चक्की बनाकर तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है। वहीं कई जगह पर तिल और गुड़ की गच्चक भी लोग खूब पसंद करते हैं। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि मकर संक्रांति के दिन ही तिल और गुड़ का सेवन क्यों किया जाता है। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक आधार है। सर्दियों के मौसम में जब शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है, तब तिल और गुड़ के व्यंजन यह काम बखूबी करते हैं, क्योंकि तिल में तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसका सेवन करने से शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल पहुंचता है और जो हमारे शरीर को गर्माहट देता है। इसी प्रकार
गुड़ की तासीर भी गर्म होती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति के अवसर पर तिल और गुड़ के व्यंजन प्रमुखता से खाए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई मान्यता और परंपरा जरूर होती है। जैसे दिवाली पर पटाखे और दिए जलाना, होली पर रंग लगाना, ठीक ऐसे ही मकर संक्रांति पर भी पतंगे उड़ाने की परंपरा है। हालांकि पतंग उड़ाने के पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है, अपितु वैज्ञानिक पक्ष है। गुजरात और सौराष्ट्र में मकर संक्रांति के त्योहार पर कई दिनों की लंबी छुट्टियां होती है। पतंग केवल गुजरात में ही नहीं बल्कि भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में उड़ाई जाती है। चलिए अब जानते हैं कि भारत में अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार। तो पश्चिमी बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी का पर्व कहते हैं। इस अवसर पर प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक महीने का माघ मेला शुरू होता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल त्योहार के नाम से जानते हैं। गुजरात और राजस्थान में इस त्योहार को उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है। पतंग उत्सव का आयोजन भी गुजरात और राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के लोग गच्चक और तिल के लड्डू खाते हैं और एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामनाएं देते हैं। असम में भोगली बिहू के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे मकर संक्रमामा नाम से मनाते हैं, जिसके कारण यहाँ 3 दिन का त्योहार पोंगल के रूप में मनाते हैं। केरल में इस दिन लोग बड़े त्योहार के रूप में 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं, जो कि सबरीमाला में समाप्त होता है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में इसे मगही नाम से मनाया जाता है। कश्मीर में शिशुर संक्रांत नाम से जानते हैं। पंजाब में इस त्योहार को एक दिन पहले लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन धूमधाम के साथ समारोह का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भी मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके राज्य में मकर संक्रांति के पर्व को किस नाम से जाना जाता है और आप कैसे मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति और लोहड़ी में क्या अंतर है। लोहड़ी का त्योहार 13 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्योहार अधिकतर पंजाबी लोगों द्वारा मनाया जाता है। लोहड़ी मनाने के लिए एक खाली जगह पर काफी लकड़ियां इकट्ठा करके उसके ऊपर उपले लगाकर और उसमें आग लगाकर उसके चारों तरफ घूमकर गाने गाए जाते हैं और नृत्य भी किया जाता है। सभी लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। लोहड़ी में मूंगफली, गच्चक, गुड़, रेवड़ी आदि चीजें अपने रिश्तेदारों, दोस्तों आदि को बांटी जाती है। अब जानते हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य देव का मकर राशि के अंदर आना और अपने बेटे शनि देव से मिलना हुआ था। शनि और सूर्य देव का आपस में पिता और बेटे का रिश्ता है, जिसमें कि शनिदेव और सूर्यदेव की आपस में बनती नहीं थी। परंतु मकर संक्रांति का दीपक सा दिवस होता है, जिसमें शनिदेव की प्रिय राशि मकर राशि में सूर्यदेव को आना ही पड़ता है, जिसके कारण हमें यह प्रतीत होता है कि यह एक पिता का अपने पुत्र से मिलने का त्योहार है। आज की इस वीडियो में हमने मकर संक्रांति से संबंधित बहुत सी जानकारियां बताई। उम्मीद करती हूँ कि आपको मकर संक्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें पता चल गई होगी। आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको यह मकर संक्रांति से संबंधित जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे कुछ नई यादों के साथ और कुछ नई बातों के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहें।